नमस्कार, तत्काल संदेश में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बस्ती और बाजार में खुल रही शराब की दुकान के विरोध में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ। पहले दिन 1200 लोगों ने किया हस्ताक्षर। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा बाजार और बस्तियों में शराब की दुकान खुलवाई जा रही है। सामान्य जनमानस द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन इसका असर सरकार और प्रशासन के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये देखते हुए सम्राट अशोक सेना के संयोजक जेपी कुशवाहा ने बस्ती और बाजार में खुल रही दुकानों के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर दिया है, जिसका रीवा की जनता ने खुलकर स्वागत किया। जेपी कुशवाहा का कहना है कि यदि आम जनता को बस्ती और बाजार में शराब की दुकानें खुलने से समस्याएं होती हैं और महिलाओं लड़कियों के साथ शराब बिकने वाले स्थानों पर अभद्र व्यवहार और शराबियों की गंदी नजर का शिकार होना पड़ता है और सड़क पर भीड़भाड़ एक्सीडेंट तो आम बात है, अगर जनता को सचमुच बुरा लगता है तो उन्हें विरोध करना ही पड़ेगा और विरोध वर्तमान समय में बीजेपी सरकार का विरोध करना पड़ेगा। हस्ताक्षर अभियान में शामिल अधिकतर लोगों ने कसम खाई है कि यदि हमारी महिलाओं और लड़कियों का इसी तरह का अपमान होता रहा तो जिस तरह कांग्रेस का बहिष्कार हुआ उसी तरह बीजेपी का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि सड़क और पुल दिखाकर कोई भी हमारी महिलाओं और लड़कियों का अपमान एवं हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा तो बर्दाश्त नहीं है। आज संभागीय कमिश्नर रीवा को हस्ताक्षर अभियान की सूचना देकर एवं निपनिया में बिना नगर निगम की अनुमति के दुकान बनाकर बस्ती में शराब की दुकान खोल दी गई, जिसका बस्ती वासियों ने विरोध किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यहां शराब की दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन अगले दिन से पुनः बिक्री प्रारंभ हो गई। ज्ञापन देकर हस्ताक्षर अभियान में शामिल रहे संदीप सोनी, राम साहू, शिव सिंह, कुंवर सिंह, अवधेश, पिंटू पांडे, अभिषेक सिंह, दिनेश ओबीसी, इंद्रदेव कुशवाहा, गतिलेश महेश, रामजीत सिंह, देवेंद्र कुशवाहा, नीलेश उपस्थित रहे। हम लोगों की मांगे ये हैं कि आवासीय क्षेत्रों में जहां बाजार और जहां भीड़ भाड़ वाला एक क्षेत्र रहता है वहां की दारू की दुकानें हटाकर खाली स्थान में खोली जाए जहां पे भीड़ भाड़ न रहे। दो तीन दिनों में दुकानें शिफ्टिंग हो रही हैं, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, उसके बाद भी वहां खोला जा रहा है। हाँ, यही तो बड़ी समस्या है। अभी निपनिया में हम लोगों ने दारू की दुकान का विरोध किया और तहसीलदार लोग पहुँचे और ये बोले कि नहीं नहीं अब यहाँ नहीं खुलेंगी, आप लोग नहीं चाहते हैं तो नहीं खुलेगी। लेकिन वो उनके हटते ही तुरंत फिर दारू की दुकानें खुल गई और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस दुकान में वो दारू की दुकान खुली हुई है वो नगर निगम अभी बनी है और उसके लिए हम लोग शुरू से नगर निगम को कहते रहे कि ये बिना अनुमति के बन रही है, इसको रोका जाए। और नगर निगम कोने किनारे किनारे में गरीबों के मकान ढूंढ लेता है जो अनुमति से नहीं बन रहे हैं और उसकी रोड के किनारे की दुकानें नहीं दिखी हैं, उसमें दारू की दुकान खुल गई। अभी एक दिन पूर्व राहत में बवाल हुआ था। नहीं, यही तो बड़ी सरकार की पता नहीं क्या मनसा है। इस समय हम देख रहे हैं कि सरकार के लोग ही आके उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद होना कुछ नहीं है, वही लोग आगे आएंगे और उपद्रव करेंगे और फिर कहेंगे कि आपको लगता है कि भाजपा खंड खंड में बट रही है। अब खंड खंड में तो बट रही है, अब ये चुनाव में पता चलेगा खंड खंड में बटी या नहीं। एक तरफ उमा भारती जी शराब की दुकान में पत्थर मार रही है, इधर रीवा में भी विधायक द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो उमा भारती तो कर ही रही हैं और हम लोग भी हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। हम लोग अभी प्रत्येक विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश का प्लान बना हुआ है कि हम लोग प्रत्येक विधानसभा से 1,00,000 लोगों के हस्ताक्षर करा के और शिवराज सिंह को भेजेंगे और कहेंगे कि ये जनता नहीं चाह रही है तो आप लोग क्यों खुलवा रहे हो। हस्ताक्षर अभियान चलाकर क्या साबित कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि जनता नहीं चाहती है और आप लोग 60-70 हज़ार वोट पा के अपने आप को राजा समझते हो जबकि 1,00,000 जनता नहीं चाह रही है कि बाजार और बस्तियों में इस तरह की दुकानें खुले। क्या नाम है आपका? जेपी कुशवाहा, सम्राट अशोक सेना से हम लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मैं शराबबंदी लोग करें, मैं नहीं करूंगा, उनके विधायक डंडा लेके दुकानें बंद कराने जे पहुंच जाते हैं। ये खेल सारा शराब से लूट का है, शराब से आने वाली आय का है। और एक तरफ देखिए विधायक खुलवाने जाते हैं, दूसरी तरफ उनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी दुकान पे पत्थर मार रही हैं। इसका सीधा सा खेल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जनता शराब पिए, महिलाएँ बच्चे शराब युक्त हो जाए ताकि शिक्षा न देनी पड़े और शिक्षा से दूर भगाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। क्या आपको लगता है बीजेपी की नीति है जनता को गुमराह करने का?
भारतीय जनता पार्टी की तो सदैव से नीत रही है फूट डालो शासन करो। आप याद कर लीजिए, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन से ले लीजिए सावरकर जी और चाहे नाथूराम गोडसे, और आज चाहे रीवा का हाल देख लीजिए, एक विधायक स्वयं डंडा लेकर पहुंच जाता है। एक जनता के प्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। आप किसानों के मुद्दे पर रोड पर नहीं आए, बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर रोड पर नहीं आए, और आप आते हैं सीधे शराब के मुद्दे पर। कितनी शर्मनाक बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि एक विधायक डंडा लेकर आता है और उसके विरोध में और भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्सप्लेन नहीं आता, विधायक भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, इससे क्या सिद्ध होता है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जनता के लिए जो हितकर होगा हम उसके लिए रोड पर हैं, चाहे वो जिस मुद्दे पर हो। और आज देश के अंदर आपको पता है कि विपक्ष की भूमिका में केवल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस ही लड़ेगी, जनता के साथ हम हैं रहेंगे। कुंवर सिंह, ये जो आवासीय क्षेत्र में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें इसके लिए तो सबसे पहले लोकल पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी मिनिस्टर या फिर पॉलिटिशियन कुछ नहीं रोल करते हैं। हम और आप जैसे सारे लोग जब अवेयर हो जाएंगे तो ये चीज़ें शायद ख़त्म हो जाएंगी। और लोकल पब्लिक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का आना जाना रहता है, बच्चों का आना जाना रहता है, और शराब से ज़्यादा तो मेडिकल वाला ही, जो क्योंकि ये एक साइलेंट टाइप का नशा होता है जिसमें किसी को पता भी नहीं चलता है। और शराब से गांजा चरस इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा खतरनाक है मेडिकल वाला। सर, ये जो आवासीय बस्ती में शराब की दुकान खोली जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो वही हाल हो गया जैसे पुराने समय में लोग जो बाथरूम लेटरिन बनवाते थे बिल्कुल गाँव के बाहर एकांत में, इसको भी वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि नशा करने के बाद लोगों की ये सेंस खत्म हो जाता है कि कौन आदमी कैसा है और कैसे किसके साथ बिहेवियर करना चाहिए। बस्ती में करेंगे तो बिहेवियर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो असामाजिक तत्व और अमर्यादित उसके अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए तो मेरा तो यही सोचना है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गाँव या शहर की बिल्कुल कोने पर हो। ये जो आवासीय बस्ती में शराब की दुकानें खुल रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आवासीय बस्ती में शराब की दुकानों के लिए मेरी आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि शराब में भीड़ लगती है, मार्केट के अंदर महिलाएं सज्जन पुरुष निकलते हैं, उनको भी बाधा पड़ती है। इसलिए यदि शराब की दुकान शासन को चलाना है तो शहर से थोड़ा सा हट के लगाए। सर, ये जो रीवा में आवासीय बस्ती में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं दुकान एक तो जो लिया पैसा खर्च किया है वो तो खोलेगा ही खोले, कहीं ना कहीं खोलेगा, पर जब प्रशासन यही नहीं कि प्रशासन बंद करना ऊपर से बंद कर दे, यहाँ क्यों पब्लिक परेशान कर रही है? भाई जो खोल रहा है वो पैसा लगा तो खोलेगा ही खोलेगा, ना वहाँ खोलेगा और कहीं खोलेगा, पीने वाले वहाँ भी लेके लेने जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा नहीं जाएंगे, पर जब प्रशासन वहीं से बंद कर दे तो पीने वाले नहीं जाएगा लेने, मेरा कहना ये है। जी सर, जैसे गुजरात में आपकी है, आपकी दारू बंद है पर पीने वाले मिलती है लेने जाते हैं।